सिर्फ ऑगमेंटेड डीएस और एमोक्सिलिन लगा है, मैं आगे लिखे दोनों एंटीबायोटिक सिरप मल्टा नेशनल कंपनी वेक्सिस मसाइन के हैं। सुचराव जानते हैं अपने नुमाइंदे सैयद सज्जाद काजमी से, जी सज्जाद काजमी आगा कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये बात ठीक है कि ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी लाहौर ने एक बड़ी कंपनी ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन के दो मारूफ सीरप जो बच्चों को मामूल के मुताबिक इस्तेमाल होते हैं उसमें अगमेंटन है और अगमेंटन डीएस है और अमोक्सिल सीरप है, जिनको गैर मयारी करार दे दिया गया है। और ये जो सीरप के सैंपल है ये सरकारी जराये डिपू सुंदर रोड से हासिल किए गए हैं, जिससे जाहिर होता है कि ये सरकारी अस्पतालों के अंदर सीरप पिलाए जा रहे थे और इस्तेमाल किए जा रहे थे। जराये का कहना है कि डीटीएल की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है बहुत बड़ी, जिसके ये सीरप गैर मयारी दिए गए हैं। और सोचा जाए तो अगर सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जो सीरप की अद्वियात की तादाद खरीदी जाती है वो सिर्फ 2% के करीब है, और मार्केट के अंदर जो सैंपल ये गए हैं उसमें से गैर मयारी चेक करने का जिम्मेदारी जो है वो प्राइमरी हेल्थ केयर की बनती है, स्पेशलिस्ट की बनती है, ड्रैप की बनती है, किसकी बनती है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब तक जो 4 माह के अंदर नवंबर से लेकर अप्रैल तक 4 माह के अंदर 80 से जायद अद्वियात को गैर मयारी और जानी करार दिया जा चुका है। डीटीएल रिपोर्ट के मुताबिक जो 80 से जायद अद्वियात को गैर मयारी करार दिया जा चुका है, इसमें से बड़ी तादाद जो है वो सरकारी अद्वियात की है, जिससे जाहिर होता है कि सरकारी अस्पतालों के अंदर खरीदी जाने वाली अद्वियात का म्यार जो है नाकस है और अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। मरीजों को गैर मयारी अद्वियात खिलाई जा रही है जिसका कोई सत्यापन नहीं किया जा रहा। अब जो अद्वियात खरीदी जा रही है उसके जो बैजेस है उनको जाया किया जाता है या उनको पिला दिया जाता है, कर दिया जाता है, सरकारी अस्पतालों के अंदर तकसीम कर दिया जाता है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता और इसकी मौजूदा सूरत हाल के बारे में किसी को इल्म नहीं है। जी ठीक है, शुक्रिया सज्जाद काजमी, आप हमें पंजाब ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में अज्ञात की बर्बाद टेस्टिंग न होने पर आज खुद नोटिस की समाज लेबोरेटरी की जानेब से जवाब अदालत में जमा करा दिया गया। जवाब के मुताबिक सिर्फ 270 अज्ञात की टेस्टिंग मुकम्मल होना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट का 6 महीने टेस्टिंग मुकम्मल करने का हुक्म सामने आया। इसी पर बात कर लेते हैं, वर्षा के बताया गया क्या हिदायत और अहकाम दिए गए।